नमस्कार सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है आज की एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर एक लेटर देख पा रहे हैं, ये लेटर बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा जो ICDS निदेशालय है वहाँ पर ये लेटर भेजा गया है। ये लेटर किस लिए भेजा गया है, किस संबंध में भेजा गया है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में 29 सितंबर से लगातार सेविका सहायिका बहनें अपनी मांगों को लेकर, अपनी मौलिक अधिकार को लेकर धरना प्रदर्शन करती आ रही हैं, तो उस बीच तमाम तरह की जो साजिश है वो चल रही है सेविका सहायिका बहन को हड़ताल तोड़वाने के लिए। तो ये लेटर आपके लिए बहुत फूल उड़ाने वाली है। जैसा कि जो आपका संघ है उन्होंने इस हड़ताल को देखते हुए जो साजिश चल रही है, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सेविका सहायिका बहन अगर हड़ताल से वापस नहीं आती हैं तो उनको चयन मुक्त का भय दिखाया जा रहा है, तो उसी के लिए ये लेटर जो है कि बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के जो लोग हैं, जैसे कि कुमार बिंदेश्वर सिंह जो महासचिव हैं, उनके द्वारा ICDS निदेशालय को ये पत्र भेजा गया है। और आइए जानते हैं इसमें क्या कहा गया है, ताकि जो सेविका सहायिका बहन है वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल जारी रखें, ऐसी जो तमाम प्रकार की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनसे ये सभी लोग बचें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेटर आपको दिखाते हैं, बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का जो ये लेटर है देख सकते हैं, भेजा गया है सेवा में निदेशक ICDS निदेशालय इंदिरा भवन पटना। और यहाँ पे इस लेटर का जो मेन विषय है वो आप लोग यहाँ पे आसानी से समझ पाएंगे। और आप लोग इसको देखने के बाद जो सेविका सहायिका बहन डरी हुई है कि हमें चयन मुक्त कर दिया जाएगा, तो देखिए आपके साथ आपका संघ खड़ा है। हड़तालरत सेविका सहायिका को चयन मुक्ति का भय दिखाकर हड़ताल तोड़वाने की साजिश पर रोक लगाने के संबंध में, जी हाँ, इस साजिश को रोक लगाने के संबंध में जो है कि आपका संघ ICDS निदेशालय को ये पत्र भेजा है, ताकि जो आप आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ हैं वो अपनी हड़ताल को जारी रखें और अपनी मांगों को पूरा करवा सकें। वीडियो को आप सभी आंगनबाड़ी बहनें पूरा देखिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर कीजिएगा। आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। महाशय सूचित करना है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन अदालतगंज पटना के आह्वान पर 29 सितंबर से राज्य स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। जैसा कि आप लोग 7, 8, 9, 10 नवंबर 2023 को विधानसभा के समक्ष घेरा डालो डेरा डालो महापराव के उपरांत राज्य भर में सेविका सहायिकाओं को जिला स्तरीय परियोजना स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा भया दोहन किया जा रहा है, जो गैर लोकतांत्रिक कृत्य है। लोकतंत्र में अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, हड़ताल करना संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है। जैसा कि आप लोग जो अपने मौलिक अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो आपके खिलाफ जो चयन मुक्ति का जो भय दिखाकर हड़ताल तोड़वाने की साजिश चल रही है उसके खिलाफ ये लेटर भेजा गया है, ठीक है। अपने राज्य स्तरीय प्रदर्शन के दौरान किसी भी सेविका सहायिका द्वारा गैर संवैधानिक कदम नहीं उठाए गए, बल्कि पूर्णतः शांतिपूर्वक कार्यक्रम को सफल बनाया गया। व्यापक गोलबंदी और अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भले ही बल प्रयोग किया हो, लेकिन आंदोलनकारियों द्वारा किसी भी तरह का हिंसात्मक अथवा गैर लोकतांत्रिक कदम नहीं उठाया गया है। फलस्वरूप सेविका सहायिकाओं की मांगों से संबंधित आवाज़ दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा मजबूती से उठाई गई और सरकार भी विचार करने पर सहमत हुई है। जैसा कि आप लोग जो हड़ताल कर रहे हैं वो शांतिपूर्वक कर रहे हैं और आप लोगों के खिलाफ जो भले ही जो प्रशासन है वो आपके खिलाफ बल का प्रयोग किया हो, लेकिन अपनी मांगों को लेकर आप शांतिपूर्वक जो धरना प्रदर्शन है वो कर रही हैं, हड़ताल कर रही हैं, और जो आपकी मांगें हैं वो दोनों सदनों में मजबूती से उठाई गई है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद हो, दोनों सदनों में आपकी जो मांग है उसको पहुँचाई गई है और सरकार इस पर विचार करने के लिए भी सहमत हुई है, ठीक है। आगे लिखा गया है, पुनः भावदियों को अवगत कराते हुए कहना है कि प्रधान सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार और माननीय मंत्री समाज कल्याण के आश्वासन के बाद लंबे समय तक आंदोलन को स्थगित रखा गया। राज्य में बाल विकास परियोजना से जुड़े सभी प्रकार के संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक में वृद्धि की गई, परंतु सेविका सहायिका की मांगों पर घोषणा के बावजूद सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया। विवश होकर हमें हड़ताल जैसे कठोर कदम उठाने पड़े। तो जो सरकार आश्वासन दी थी कि हम आपकी मानदेय को बढ़ाएंगे या जो भी सरकार द्वारा आश्वासन मिला था वो समय पे पूरा नहीं किया गया, उसके विवश में जो सेविका सहायिकाएं हैं वो अपने कदम उठाई हैं, हड़ताल कर रही हैं, तो आपका हड़ताल जायज़ है। आप लोगों को घबराना नहीं है, डरना नहीं है,
ठीक है, जो सेविका सहायिकाओं को मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता पकड़ना पड़ा और वरिष्ठ पदाधिकारी यदि हमारे शुभचिंतक हैं, मानवीय संवेदना और सहानुभूति रखते हैं, तो उनसे अपेक्षा है कि बगैर सरकारी लिखित आदेश के मौखिक तौर पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई या भयादोहन ना करें। यदि दंडात्मक कार्रवाई अपेक्षित है तो सामूहिक कार्रवाई की जाए, फूट डालने की चेष्टा न की जाए। यह अनुरोध है कि सेविका सहायिकाओं के हित और अधिकारों की जनतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है, इस लड़ाई को अपने स्तर से भी सहयोग और समर्थन देने का प्रयास जरूर करें। नीचे देख सकते हैं संयोजक मंडल बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति पटना बिहार के जो महासचिव हैं कुमार बिंदेश्वर सिंह, उनका यहाँ पर सिग्नेचर आप देख सकते हैं, और जो यहाँ पे राज्य सचिव हैं लीना कुमारी, उनका भी सिग्नेचर देख सकते हैं। प्रतिमा कुमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जो रंजना कुमारी अध्यक्ष हैं, ये सभी लोग जो संघ के लोग हैं आपके साथ खड़े हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए यही थी कि आप लोग अपने हड़ताल को जारी रखें और हड़ताल तोड़े ना। जो अफवाह है, जो साजिश है, उसके खिलाफ ये लेटर जो है ICDS निदेशालय को भेजा गया है, ठीक है। तमाम तरह की न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल रही होगी कि इस प्रकार से अफवाह फैलाई जा रही है, तो आप लोगों को डरना नहीं है, अपनी हड़ताल को जारी रखना है। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर कीजिए, और यदि आपके पास इस प्रकार की कोई लेटर हो, कोई न्यूज़ हो, तो आप हमें व्हाट्सअप ग्रुप में या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक, नई जानकारी के साथ। आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।